समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदितु सब सिद्धे दुःखमचल मनोगमंगदिं पत्ते उच्छामि समय पाहुड़ मिलमो सुध केवली वणिदम वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम वक्षे समय तारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिका। पेज नंबर 3 पर श्लोक नंबर 2। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशितां। अनेकांतमयी मूर्ति प्रकाश रूप हो, तीन दिवसों से इसकी चर्चा चल रही है। अनेकांतमयी मूर्ति, वस्तु अनेकांतमयी है, प्रत्येक पदार्थ अनेकांतमयी है। अनेकांतमयी अर्थात अनेक अर्थात दो, अंत मतलब धर्म। प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरुद्ध रहने वाले अनंत धर्म युगल पाए जाते हैं। कितने? अनंत धर्म युगल। और उन अनंत धर्म युगलों से वो वस्तु की व्यवस्था बनी रहती है, राम राज्य रहता है, सुरक्षा रहती है वस्तु की। वस्तु अनादि अनंत टिकती है और अपने काम को करती है, इसका नाम है अनेकांत। और ऐसा जानने वाला ज्ञान, वो केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान, उसको भी अनेकांत मूर्ति कहा। और ऐसे बताने वाले उस स्वरूप को वचन और ये ग्रंथ, उनको भी अनेकांतमयी मूर्ति कहा। तो अनेकांतमयी मूर्ति पहले वस्तु, उसके बाद केवल ज्ञान, उसके बाद श्रुत ज्ञान, उसके बाद बताने वाले वचन, और उसके बाद ये जो ग्रंथों में वो स्वरूप लिखा है वो भी अनेकांतमयी मूर्ति है, ये सरस्वती। इतनी चर्चा हमारी कल तक हुई थी। अनेकांत शब्द का पहला अर्थ किया था, जब अनेक का अर्थ दो करें तो अंत का अर्थ होता है परस्पर विरुद्ध रहने वाले धर्म युगल, नित्य अनित, सत असत, एक अनेक आदि, ऐसे वस्तु में अनंत धर्म युगल पाए जाते हैं। इनमें हमने नित्य और अनित की चर्चा विगत तीन दिवसों में विस्तार से की। अर्थात वस्तु में एक नित्य धर्म भी है और एक अनित्य धर्म भी है। नित्य धर्म से क्या होता है? वस्तु सदाकाल विद्यमान रहती है, एक रूप रहती है, कायम रहती है, उसका वैभव सदा रहता है, नित्यपना। और अनित्य धर्म से क्या होता है? देखो, अनित्य धर्म के कारण बदलना अनित्य धर्म नहीं। सुनना ध्यान से, क्या कहा? बदलना अनित्य धर्म नहीं। इस बोले आज नई तरह से बदलना अनित्यता है, लेकिन वो बदलना जो अनित्यता है वो अनित्यता के कारण नहीं है, वो अनित्य धर्म के कारण है। क्या कहा? जैसे जानना होता है, तो जानना होता है तो आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण है, उससे वो जाननी पर्याय होती है। यदि आत्मा में ज्ञान गुण नहीं होता तो जानना पर्याय नहीं होती। बात समझ में आई?
वस्तु में वो शक्ति नहीं होती तो उसकी व्यक्ति भी कैसे होती। क्लियर हो गई? बहुत छोटी सी बात है। ऐसे ही आत्मा में यहाँ पर एक नित्य नाम का धर्म है, ऐसे ही एक अनित्य नाम का धर्म है। नित्य धर्म भी नित्य है और अनित्य धर्म भी नित्य है। क्लियर बात हो गई है? बात समझ में आई? अनित्य धर्म भी सदा रहता है, अनित्य धर्म भी स्थाई है। संजय भाई सब बात समझ में आ रही है? कुछ नित्य है मतलब नित्य धर्म भी सदाकाल वस्तु में है, लिख लो पारिणामिक भाव से है। अरे अनित्य धर्म भी वस्तु में पारिणामिक भाव से है, निरपेक्ष विद्यमान है, सदा विद्यमान है। जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, ऐसे ही आत्मा में एक नित्य धर्म है, एक अनित्य धर्म है, एक धर्म है, एक अनेक धर्म है, एक सत्य धर्म है और एक असत धर्म है। तो असत धर्म भी किसमें है? आत्मा में। बाबू दादा समझ में आ रही बात? तो नित्य धर्म कहाँ है? आत्मा में। और अनित्य धर्म कहाँ है? पर्याय में। बात समझ आई? नित्य धर्म द्रव्य में है और अनित्य धर्म पर्याय में है। घोर अज्ञान है। दोनों धर्म वो द्रव्य में ही है, वो नित्य है। फिर इनसे होता क्या है कि नित्य धर्म के कारण जो वस्तु है वो टिकी रहती है। कल बताई थी जयमाला, चक्की का एग्जाम्पल दिया था एग्जाम्पल, द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर जय थिर है कौन। तो द्रव्य रूप कर सर्व थिर है ये नित्य धर्म के कारण, और पर जय थिर है कौन ये अनित्य धर्म के कारण। वस्तु सदाकाल एक रूप रहती हुई बदलती है, बदलती हुई भी एक रूप रहती है। परमानेंसी विद ए चेंज, स्थाई रहकर बदलना ये वस्तु का स्वभाव है। क्यों ऐसा? क्योंकि वस्तु में एक साथ वस्तुपने को सिद्ध करने वाले, वस्तु को टिकाए रखने वाले परस्पर विरोधी दो धर्म एक साथ पाए जाते हैं। ये बात गले उतरना भव्यता की निशानी है, जैन बनने की निशानी है। अजैनों के बात स्वीकार नहीं होती। बात बहुत सरल है, बोलो एक महिला में पत्नी पने का धर्म भी है और माँ पने का धर्म भी है, एक साथ एक समय में हो सकता है? बोलो नहीं हो सकता? तू है परस्पर विरुद्ध है दो धर्म, दोनों एक साथ पाए जाते हैं। तो नित्य नित्य तक की बात तीन दिन में चली थी, आज हम चर्चा करेंगे सत और असत। वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में, छयों द्रव्यों में, छयों द्रव्य अनेकांतमयी है, सारे द्रव्य अनेकांतमयी है। मेरे में भी, मैं जीव वस्तु हूँ, मेरे में भी सत और असत नाम के धर्म पाए जाते हैं। ओहो, मैं सत भी हूँ असत भी हूँ। सुनो, मैं हूँ भी और मैं नहीं भी हूँ, ऐसा हो सकता है? ऐसा ही है। क्या गजब बात है, ये पागल हो गए। मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ, मेरी सत्ता भी है और मेरी सत्ता नहीं भी है, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, लिख लो, ये अनेकांत अमृत है। ये जो अनेकांत है, प्रकृति का वरदान है, इससे वस्तु जीती है, अपना जीवन जीती है, इससे वस्तु पर से सुरक्षित रहती है, निरपेक्ष रहती है,
बहुत गजब के धर्म है। कौन से धर्म? सत और असत। वस्तु अपने से है और पर से नहीं है। सुनो, वस्तु पर से नहीं है, ये असत नाम का धर्म पर में नहीं है, ये असत नाम का धर्म भी मेरे में है। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है? धर्म की चर्चा है ये, जैन धर्म की, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा देखी गई ये वस्तु की चर्चा, वस्तु स्वभाव की चर्चा, धर्म की चर्चा, और जिससे रत्नत्रय धर्म प्रकट होते हैं उस धर्म की चर्चा है। सत धर्म किस में? मेरे में। मेरा सत धर्म किस में? मुझ में। और असत धर्म किस में? मुझ में। मेरे में एक साथ एक समय में परस्पर विरुद्ध दो धर्म रहते हैं। कौन कौन से? सत और असत, दोनों धर्म जीव में। जैसे ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, ऐसे ही मेरे में सत और असत नाम के धर्म रहते हैं। इनसे होता क्या है? इन धर्मों से होता क्या है? देखो, हम जाने चाहे नहीं जाने, इन धर्म से काम तो हो ही रहा है। ये धर्म अपना काम तो कर ही रहे हैं। इस धर्म के बल पे वस्तु टिकी है। ये अनेकांत अमृत है। ये वस्तु को जीवित रखता है, ये वस्तु को पर रूप नहीं होने देता। अभी जो अपना अष्टान का मैं शिविर लगा था दिनवाणी मंथन, उसमें गाथा ली थी देवेंद्र पंडित जी सामने। क्या कौन सी गाथा ली थी? नियमसार की, निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रहे पर भावना। गाथा ली थी, याद है कि नहीं है? निकाल के बताएं। निज भाव को छोड़े नहीं पर भाव को ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? आत्मा में ऐसा धर्म है। धर्म समझ में आया? धर्म, सत धर्म भी और असत धर्म भी। वस्तु अपने, ऐसा वाक्य लिखना पूरा जैसा बता रहे हैं, वस्तु अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि रूप है, और वस्तु पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नास्ति रूप है। अस्ति नास्ति, वस्तु अपने चतुष्टय से है पर चतुष्टय से नहीं है। सरल दृष्टांत, शक्कर अपने से है, नमक से, नींबू से, पानी से नहीं है। सिकंजी का एग्जांपल याद आया? सिकंजी में चार चीज एक गिलास में डली है, तो उस गिलास में जो चार चीज डली है उसमें एक शक्कर नाम की वस्तु है। उस शक्कर नाम की वस्तु में एक साथ एक समय में परस्पर विरुद्ध दो धर्म है, एक सत धर्म एक असत धर्म। सत धर्म का दूसरा नाम है अस्ति और असत धर्म का दूसरा नाम है नास्ति। तो उस वस्तु में, शक्कर में सत और असत धर्म है, अस्ति नास्ति धर्म है। तो वस्तु में दो धर्म एक साथ विरुद्ध कैसे रहते हैं? रहते हैं ना, शक्कर शक्कर रहती है, ये धर्म सत धर्म, ये शक्कर में ही है, और शक्कर में ये एक असत धर्म है। उससे क्या होता है? वस्तु कभी भी नमक, नींबू, पानी नहीं बनती। ये असत धर्म भी वस्तु में स्वयं से सत्ता है और पर से वस्तु की असत्ता है। स्वयं से वस्तु है और पर से वस्तु नहीं है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? इसको धर्म क्यों कहते हैं? वस्तु में लिखो तीन चीज पाई जाती हैं। प्रत्येक वस्तु में तीन चीज पाई जाती हैं।
एक शक्ति, एक गुण और एक धर्म, कितनी चीज पाई जाती है? तीन। शक्ति, गुण और धर्म, कितनी चीज? तीन। कौन कौन सी? शक्ति, गुण और धर्म। शक्ति की व्यक्ति होती है, जैसे सर्वज्ञत्व शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति है, समय आने पर अनुकूल उपादानगत योग्यता से और निमित्त के मिलने पर उस शक्ति की व्यक्ति होती है। स्वामी जी ने हजारों प्रवचनों में एग्जाम्पल दिया, लैंडी पीपर में चरपराहट की शक्ति है और योग रीति से घिसने पर वो व्यक्त होती है, शक्ति की व्यक्ति होती है। एक चीज हो गई वस्तु में, दो शक्तियों के नाम भी आपको बता दिए, शक्ति। दूसरा, गुण वस्तु में होते हैं, क्या होते हैं? गुण। गुणों की लिख लो, प्रति समय पर्याय होती है, शक्ति की पर्याय नहीं होती, गुणों की पर्याय होती है। समझ आया? गुणों की क्या होती है? पर्याय। कब होती है? प्रति समय। जैसे आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, तो प्रति समय उसकी जानना पर्याय हो रही है। आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, उसकी विश्वास पर्याय हो रही है। जैसे बता रहे हैं पहला वैसा नोट करना, सब रहस्य है इनमें भी। आत्मा में एक चारित्र नाम का गुण है, उस चारित्र गुण की रमणता रूप पर्याय हो रही है, रमणता, रमणता। ठीक है, तीन मुख्य है। अब ज्ञान गुण में विशेष देखें तो अपन, ज्ञान गुण की अभी कौन सी पर्याय चल रही है विशेष में? अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान। श्रद्धा गुण में कौन सी चल रही है? मिथ्या दर्शन, मोह जिसे कहते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन। चारित्र गुण में कौन सी चल रही है? पर में रमणता, पर में रमणता, पर में रमणता। तो रमणता का दूसरा नाम है राग द्वेष, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ। एक शब्द में बोलो तो दुख, आकुलता। ये किसकी पर्याय है? ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय। अब जो स्वरूप जानते हैं, जो अनेकान स्वरूप की चर्चा चल रही है, ज्ञान स्वरूप का आश्रय करता है, तो वो ज्ञान गुण तो सदा है। ये अज्ञान पर्याय की जगह कौन सी पर्याय होती है? सम्यक ज्ञान। मोह की पर्याय मिथ्यादर्शन की जगह पर कौन सी होने लगती है? सम्यक दर्शन। देखो, गुण कौन सा है? श्रद्धा। पर्याय कौन सी हो रही है? सम्यक दर्शन। और इस सम्यक दर्शन की पर्याय से अभेद करके क्या बोलते हैं? ये सम्यक दृष्टि जीव है। क्या कहा? एक समय की एक पर्याय से अभेद करके कौन से जीव हो गए? सम्यक दृष्टि जीव। अरे मिथ्या दृष्टि जीव है, ये अज्ञानी जीव है, ये सम्यक ज्ञानी जीव है, ये ज्ञानी जीव है। जबकि पर्याय है एक समय की, उस पर्याय से अभेद करके पूरे जीव को क्या बोल देते हैं? ज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव। जबकि जीव तो जीव है, ये जो हो रहा है वो सब कहां हो रहा है? एक समय की पर्याय। चारित्र गुण कब नहीं है? सदा है। और जब भेद विज्ञान हुआ तो स्वरूप के आश्रय से आनंद आया, तो अनंतानुबंधी कसाय मिटी, क्षणभर नीरस को मिथ्या मल को काषाय के भाव विनष्ट किए आनंद अमृत। तो एक कसाय चौकड़ी मिटी, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो मिटे, और उसके अभाव में क्या प्रकट हुआ? अतिंद्रिय आनंद, वितरागता, निराकुलता, सुख। तो ये सुख की पर्याय हो गई। कैसी पर्याय हो गई? सुख की। अब यहाँ तो सम्यक ज्ञान हो गया, यहाँ सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन यहाँ चक्कर चलता है। क्या चलता है? सुख भी होता है और दुख भी होता है, वितरागता भी होती है, राग भी होता है। मुनिराजों को भी लिख लो, सुख भी होता है, दुख भी होता है। क्या कहा? मुनिराजों को भी सुख भी होता है और दुख भी होता है। तीन कसाय चौकड़ी मिटी, तीन कसाय संबंधी राग द्वेष आकुलता विकल्प मिट गए, इतना सुख। और एक कसाय चौकड़ी उत्पन्न है उस संबंधी दुख।
कसा है, इसको भी अनेकांत स्वभाव कहते हैं। अलग अलग घटता बहुत प्रयोग है उसके अनेकांत के, करेंगे चर्चा अपन जितनी हो सकती है, जितनी अपने में ताकत है। बहुत है अनेकांत के स्वरूप में चर्चा, स्वरूप क्लियर चाहिए। जैन धर्म अनेकांतमयी है, अनेकांत का मतलब क्या है समझ में आया? मुनिराज सुखी भी हैं, दुखी भी हैं, ये अनेकांत है। एक ये भी अनेकांत है, सुनो लिखो, सिद्ध भगवान सुखी ही है, दुखी नहीं है, ये अनेकांत है। अब अनेकांत स्यादवाद का प्रयोग ऐसा दोनों में चलता है, वो मिक्स होके। अज्ञानी दुखी ही है, किंचित सुखी नहीं है, ये भी अनेकांत है। करेंगे चर्चा पर, समझ में आया? तो क्या बात चल रही थी अपनी? वस्तु में तीन चीज पाई जाती है, कौन कौन सी? पक्का पाठ नहीं होगा तो गड़बड़ होगी, हमें मुंह बोलने से दिख जाता है कौन को है कि नहीं पक्का। दोबारा पूछ रहे हम, वस्तु में कितनी चीज पाई जाती है? अनिल चाचा जी मुंह से तो हटा लो, मतलब कान में ठंड लग रही होगी, श्वेतांबर जैसे कैसे वो रखेगा, स्वामी जी की 4 इंच की पट्टी। कितनी चीज पाई जाती है? तीन। कौन कौन सी? तीन चीज। शक्ति की क्या होती है? व्यक्ति। गुण की क्या होती है? पर्याय। किस समय होती है? अनादि काल से लेके अनंत काल तक गुणों की पर्याय होती है, बराबर? और लिख लो, सुनो, शक्ति और गुण अकेले अकेले रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी। शक्ति और गुण सिंगल है वस्तु में, लेकिन धर्म जोड़े से रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, जन्म से ही। जैसे युगलीय जन्मते हैं ना भोग भूमि में, हस्बैंड वाइफ एक साथ और एक साथ मरते हैं, उन्हें जमाई आई, उन्हें छींक आई, वो मरे। पता है नहीं पता? हम बताएंगे सब यहाँ पे, भोग भूमि में एक साथ ऐसे मर जाते हैं दोनों बेचारे। जाना है भोग भूमि? महिला को जमाई आती है और पुरुष को छींक आती है छी छी गए। गणित है से तरह तरह की वस्तु व्यवस्था है। धर्म किससे रहते हैं? जोड़े से, नित्य अनित्य, सत असत, एक अनेक, जोड़े से रहते हैं। लिख लो, धर्म जोड़े से रहते हैं लेकिन उनकी पर्याय नहीं होती, धर्म के बच्चे नहीं होते, धर्म की संतान नहीं होती। जो जोड़े से है उनकी संतान नहीं, और जो ज्ञान गुण बेचारा अकेला है उसकी संतान है। कैसी विचित्रता है, समझ में आ रहा है? कितनी चीजें वस्तु में? तीन। कौन कौन सी? अंतिम भैया के पापा जी, अरे कितनी सी बात है, शक्ति लकड़ी लक्ष्मण है, शक्ति अपनी बहू में बहुत गुण है ही, गुण हो गए, और धर्म तो सब कर ही रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मस्जिद वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, काहे के लिए है ये पद्मावती, सब धर्म की बातें हैं। तो शक्ति, गुण और धर्म, तीन चीज वस्तुएं पाई जाती हैं। अब लोग वाक कहते हैं ऐसे मत पढ़ाओ, अब ऐसे नहीं पढ़ाए तो रोते रोते पढ़ाए, कैसे काम चले? डॉक्टर साहब कहते हैं विषय ऐसे हैं, परिचय के नहीं, शब्द नहीं सुने, ऐसे पढ़ाओ। बस तू में तीन चीजें, गुण शक्ति धर्म, चलो भैया जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग खत्म। हाँ दादा जी, पन्ना लाल विनती करे, क्या करें?
केली करे शिव मार्ग में समझ में आ रहा है। वस्तु में कितनी चीज पाई जाती है बाबू दादा, किन कौन कौन सी तीन, धर्म गुण और शक्ति। पक्का करना पड़ेगा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। गुण शक्ति धर्म कितनी चीज, कौन कौन सी, पक्का। अब इतनी बार नहीं बोलवाए तो पक्का कैसे हुए सबको, हमें जितने हमारे श्रोता हैं वो सब हमसे परेशान हैं, सबको हमसे दिक्कत है, लेकिन हमारा पुण्य का इतना अच्छा है कि सब आते हैं, परेशान सब है हमसे है नहीं हमारा है। डॉक्टर साहब पंचम काल है ना, सब उल्टा ही है पंचम काल में। हमारा पुण्य का देता है कि सब आते हैं। वस्तु में कितनी चीज है, कौन कौन सी, पक्का। शक्ति की क्या होती है, व्यक्ति। गुण की क्या होती है, पर्याय। कब होती है, सदाकाल। लिख लो एक चीज और बता रहे हैं, आत्मा में अनंत गुण है। कितने गुण है शिखर चंद जी साहब, कितने गुण है, अनंत। और उन अनंत गुणों में अनंत गुणों की पर्याय शुद्ध चल रही है। कुल दादाजी 23 बोल रहे हैं, कोई 21 बोलते हैं, कोई 27 बोलते हैं, और मुख देखे तो चार मुख देखो, श्रद्धा ज्ञान चायतन वीर मुख देखे तो, इन चार गुणों की उल्टी पर्याय का नाम संसार है। मुखता से देखे तो हेड, और उनमें भी हेड कौन है, ये सही हो गए। राहुल गांधी सही हो जाए तो पूरी कांग्रेस सुधर जाए, फिर बड़े हो जाए थोड़े से। अब नहीं है पप्पू, अच्छा अब थोड़ी फाइट देने लगे। समझ में आ रहा है क्या कहना है, एक मुख कौन है, अज्ञान। क्या क्या बात चल रही थी, क्या बता रहे थे कि जो अनंत गुण आत्मा में है अपने में, अभी उन अनंत गुणों में अनंत गुणों की पर्याय शुद्ध हो रही है। शुद्ध ही अनादि अनंत, सिर्फ कितने गुण, चार, 21, दादाजी 23 बोल रहे हैं, कोई 27 कहते हैं, तो इतने गुणों की पर्याय में कुल अशुद्धता है। मतलब पूरा समुद्र शुद्ध, उसके अनंत गुण शुद्ध, और उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय भी शुद्ध। कुल कितने से गुणों की पर्याय में अशुद्धि, जरा बोलो। शुद्धता का पिंड आत्मा, और रो रहे हैं अशुद्ध है अशुद्ध है अशुद्ध है, बोलो कितनी बड़ी मूर्खता। इसके लिए एग्जाम्पल दिया, यदि आपको याद हो तो कोई एग्जाम्पल दिया है। हाँ क्या लग रही था, गद्दी खाली करने पड़ेगी अब तो, देखो नहीं करेंगे तो, नहीं करोगे टाइम पे तो करवा ली जाएगी, इसलिए अपन भैया पहले इसी पर रह गए नीचे बैठेंगे। समझ में आया, देखो कैसी कैसी गजब बात है। अशुद्धता एक समय की, वो भी कुछ गुणों की कुछ पर्याय में, और ज्ञान उस अशुद्धता को देखता है और कहता है आत्मा अशुद्ध है और हमें आत्मा से शादी नहीं करना। तिरस्कार आत्मा का, अपना तिरस्कार है, अपने को ठुकराए औरों को गले लगाए, तुझे क्या हो गया है। सुनाए भजन, अपने को ठुकराए अनंत शुद्धता के पिंड को, ये भी है स्वरूप है ना अनेकांतमयी। आत्मा शुद्ध है अशुद्ध नहीं है, द्रव से शुद्ध, अनंत गुणों से शुद्ध लिख लो, और अनंत पर्याय भी शुद्ध। ऐसा शुद्धता का पिंड, तो शुद्धता को तो ठुकराए
और अशुद्धता को गले लगाए उस मूरख जैसा। कौन से मूरख जैसा? वही। कितने लोगों को याद है? तीन चार लोग तो याद है। एक लड़का था, भरत चक्रवर्ती के जमाने की बात है, और चक्रवर्ती की कन्या थी सर्वांग सुंदर अर्ककीर्ति की। अर्ककीर्ति उनके राजकुमार का नाम था बड़े। तो अर्ककीर्ति जो राजकुमार उसकी बहन ऐसी वो निकली बढ़िया नगर भ्रमण को, तो एक निगाह पड़ी एक लड़की पर। एक लड़का था कोई अच्छा सुंदर युवा, और उसके मन में विकल्प आया ये लड़का अच्छा है, इससे शादी करना चाहिए। तो अब अच्छी कन्या थी, वो घर गई, माताजी को बताया, पिताजी को बताया, तो उन्होंने बुलवाया लड़के को। लड़का सामान्य परिस्थिति का बुलवाया, बेचारा कांपता कांपता, क्या बात है, चक्रवर्ती ने बुलाया, बिठाला बढ़िया, स्वागत सत्कार किया। पूछा भैया क्या बात है? बोले हमारी कन्या आपसे विवाह करना चाहती है। किसने कहा? चक्रवर्ती मतलब, चक्रवर्ती मतलब बोलो। कोई एक चौहान समाज का लड़का हो और शिवराज सिंह चौहान की लड़की हो, और चौहान समाज का लड़का चक्की चलाता हो किले अंदर की कोई गली में, और शिवराज सिंह चौहान उस लड़कियों को बुलवा दी हमारी लड़की तुमसे शादी करना चाहती है, लड़के का क्या होगा? उसके परिवार का लड़केगा ऐसा। अब चौहान जब ऐसे हैं तो वे चक्रवर्ती तो कैसे होंगे? तो ठीक है साहब, बुलवा लड़की को। तो लड़की को बुलाया, लड़की आई सर्वांग सुंदर। उस लड़के ने चेहरा देखा और चेहरा देख के बोला रिजेक्ट, हमें नहीं करना शादी। क्यों नहीं करना भैया? लड़की काली है। क्या बोल रहा है? सब आश्चर्य में, साक्षात सुंदर गोरी। बोले कैसे काली है? वो तिल है ना, तिल। बोलो सर्वांग सुंदर लड़की और एक तिल देखकर कह रहा है लड़की काली है। ऐसे जीव द्रव अनंत गुणमयी, अनादि अनंत शुद्ध, अनंत गुण की पर्याय भी शुद्ध, और ये वो ज्ञान कह रहा है हमें आत्मा से शादी नहीं करना। जो आत्मा तो कसाई है, क्रोधी है, रागी है। कितने गुणों की पर्याय में राग है? कितने समय में? एक समय। बोलो ऐसी ऐसी बात चल रही, तो समझ आ रहा है? पाप भाव कितनी देर उत्पन्न होता है? एक समय उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया। और कौन सी गुण की पर्याय है? चार गुण की विकारी पर्याय। गुण शुद्ध है, द्रव शुद्ध है, लेकिन ऐसे स्वरूप को नहीं जानकर वस्तु में कितनी चीज है, कौन कौन सी, बराबर शक्ति की क्या होती है, गुण की क्या होती है, पर्याय। अब प्रति समय होती है। अब कुछ गुणों की पर्याय अनादि काल से ही अशुद्ध उत्पन्न हो रही है, अज्ञान अज्ञान अज्ञान, मिथ्यात मिथ्यात मिथ्यात, कसाय कसाय कसाय, उल्टा पुरुषार्थ उल्टा पुरुषार्थ, बस चार की समझ लो, विकारी चल रही है। और जब भेद विज्ञान होता है तो वो शुद्ध परिणमन करती है, स्वाभाविक रूप परिणमन करती है। इतनी बात हुई। लेकिन जो धर्म है वो कैसे रहते हैं? वो जोड़े से रहते हैं, नित्य अनित्य। लिख लो, धर्म की पर्याय नहीं होती, धर्म की पर्याय नहीं होती। तो धर्म से क्या होता है कि नित्य धर्म से वस्तु सदाकाल रहती है, और अनित्य धर्म के कारण रहती हुई भी उसके अनंत गुणों में परिणमन होता है, पर्याय होती है। किसके कारण? अनित्य धर्म के कारण। दूसरा जो चर्चा चल रही थी, सत और असत। सत धर्म से वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के चतुष्टय में किले में सुरक्षित रहती है,
और असत धर्म के कारण कभी भी वस्तु पर रूप नहीं होती, स्वयं से अस्ति पर से नास्ति। वस्तु अपने चतुष्टय में रहती है पर चतुष्टय रूप वरदान है। और सुनो, ऐसे ही पर में भी अस्ति नास्ति धर्म है, तो वे भी अपने रूप रहते हो पर रूप नहीं होते। तो सारे विश्व की व्यवस्था बनी हुई है, वस्तु की व्यवस्था बनी है। निज भाव को छोड़ू नहीं, पर भाव को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि मेरे में मेरी सत्ता है, पर में मेरी सत्ता नहीं है। भारत की भारत में चलेगी, पाकिस्तान में नहीं चलेगी, क्योंकि भारत अपने से सत है, पाकिस्तान से असत है, और पाकिस्तान पाकिस्तान से सत है और भारत से असत है। समझ में आया? सुनो प्रैक्टिकली, इधर देखो, मैं यहाँ पर अभी शरीर कर्म कसाय के बीच में हूँ, हूँ कि नहीं? यहाँ पर तो मैं शरीर से हूँ, शरीर में हूँ, दो बात बोली है। मैं कर्मों से हूँ, कर्म में हूँ, मैं मोह राग देश में हूँ, मोह राग देश से हूँ, गजब है। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं अपने से सत हूँ और पर से असत हूँ। ये अध्यात्म का सत असत ले लिया डायरेक्ट। नींबू पानी में, नींबू शक्कर पानी नमक, तो जो शक्कर है शक्कर, तो शक्कर की सत्ता किससे है? अपने से। और शक्कर में एक असत नाम का धर्म है, जिससे उसकी सत्ता पर में नहीं जा सकती, पर उसमें नहीं आ सकती। अस्ति नास्ति सत असत धर्म। वस्तु अपने से सुरक्षित है, सुरक्षित है। लिख लो, ये अस्ति नास्ति रूप जो अनेकांतमयी धर्म है, जो अनेकांत स्वरूप है, ये हमें जिंदा रखता है, ये हमें वरदान है। इससे हम कभी मरते नहीं है, कभी अन्न रूप होते नहीं है, और अन्न रूप अन्न वस्तु भी कभी निज रूप नहीं होती। तो डिस्टर्बेंस, जीना मरना, बाहर से कोई संबंध नहीं। शरीर कर्म कसाय, शरीर आयु कर्म भोजन से जीवन है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी मेरे में नास्ती है। तो आयु कर्म से जीता हूँ, भोजन से जीता हूँ, दवाइयों से जीता हूँ, नहीं। ये अज्ञानता मिटना, ये भ्रांति टूटना, और इस पूर्वक लिख लो, अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष छूटना। कहाँ से आया ये? अस्ति नास्ति सत असत अपने स्वरूप को समझकर, ये धर्म के स्वरूप को समझकर। अनंत निर्भयता कौन मार सकता है? छू नहीं सकता। नास्ती का मतलब पर मुझे छू नहीं सकता। शक्कर की मिठास को नींबू, नींबू की खटास छू सकती है? कम मार सकती है? अनंत काल तक मिले रहे कुछ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्वयं से अस्ति पर से नास्ती। ये लिख लो, ये अनेकांत स्वरूप है। लेकिन आज हमारे ज्ञानी स्वरूप को जाना, सम्यक ज्ञान हो गया, विश्वास, स्वयं से सत पर से असत, सम्यक दर्शन। और जब स्वयं से सत पर से असत हूँ, तो पर का टेंशन, आग्रह, उपेक्षा, अपेक्षा, वो सब छूटी। इस सम्यक ज्ञान का फल है वैराग्य होना। वैराग्य मतलब आनंद होना, पर का टेंशन नहीं होना। कहाँ से आया? धर्म के स्वरूप को, अनेकांत स्वरूप को समझकर, धर्म युगल को समझकर। धर्म युगल कौन से समझे आया अपन ने? सत और असत। स्वयं से सत्ता है और पर से असत्ता है। मैं पर से नहीं हूँ। किस पर से नहीं हूँ? संयोग, शरीर, कर्म, कसाय, ये सब पर के खाते में डाल दो। इनसे मेरा जीवन, बोलो कसाय कम है कि ज्यादा है? मेरे में क्या
बहुत गजब बात है। कल तो अपन और आगे चलेंगे, कल और आगे चलेंगे, आगे चलना ना धीरे धीरे। कल बहुत गजब है, कहो तो आगे ही चले चले। सुनो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये पर्याय अभी नहीं है, तो ये पर्याय की मेरे में नास्ती है। जब ये नहीं है तो इनसे मेरी सत्ता है, मोक्ष से मेरी सत्ता है। लिख लो, मैं जीव वस्तु अपने से सत हूं और सम्यक दर्शन और मोक्ष से भी वो मेरे में असत है। ऐसा जानकर सम्यक दर्शन और मोक्ष भी असत दिख रहे हैं, मेरे स्वरूप में नहीं दिख रहे हैं, तो आज से मुझे उनकी भी चिंता, उनकी भी वांछा, उनकी भी चाय समाप्त हो गई। कैसे हो गई? कैसे हो गई? सत असत धर्म के स्वरूप को जानकर, ये अनेकांत स्वरूप को जानकर। अब आचार्य ये कह रहे हैं कि ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति हमारे ज्ञान में प्रकाश रूप हो। पहली लाइन है, दूसरे श्लोक की हो, मतलब आज हमारे ज्ञान में ये स्वरूप समझ में आ गया। वस्तु तो ऐसी थी, आज हमारे ज्ञान में भी, शुद्ध ज्ञान में भी आ गई। फायदा क्या हुआ कि आज से हमें दुकान मकान पत्नी बच्चे कर्म कसाई की तो चिंता मिटी, लेकिन सम्यक दर्शन और मोक्ष की भी चिंता मिटी। चिंता मिटी अशेष, लिखा है, चिंता मिटी अशेष। अशेष मतलब अब बिल्कुल भी शेष है, कोई चीज नहीं शेष। कौन सी कोई चीज? संयोग शरीर कर्म कसाय शुद्ध पर्याय भी, मोक्ष की भी चिंता नहीं, क्योंकि मोक्ष भी मेरे स्वरूप में असत है, वो मेरे स्वरूप में नहीं है, आता नहीं है। बोलो, गजब है, बात समझ में आई? अनेकांत स्वरूप। इस अनेकांत की चर्चा भी अपन अभी और दूसरे एंगलों से भी करेंगे। अभी पहला एंगल चल रहा है। पहला एंगल क्या चल रहा है? जब अनेक शब्द का अर्थ दो किया जाए तो अंत शब्द का अर्थ क्या होगा? परस्पर विरुद्ध पाए जाने वाले धर्म युगल। ये पहला अपन अनेकांत का अर्थ कर रहे हैं अभी, बराबर। तो आज दूसरे धर्म युगल की चर्चा हुई, कौन से? सत और असत। अपनी अपने से सत्ता है, पर से सत्ता नहीं है। जब पर से सत्ता ही नहीं है, पर से खाना पीना नहीं है, पर से अपने को कपड़े नहीं मिलते, तो कितनी पर की अपेक्षा, कितना राग पर से। लो, राग तोड़ने का उपाय अनेकान स्वरूप को समझना है। और यदि अनेकान स्वरूप नहीं समझे तो लिख लो, अनंतानुबंधी राग पूरा जिंदा रहता है। अब हमें कोई राग नहीं है, अब हमने दुकान बच्चों दे रही, अब वो होगा, अब एक रोटी मूंग की दाल से खाते हैं और कछु राग नहीं है कोई से, कोई आए चाहे मतलब कोई यह कह रहे हैं द्रवलिंग मुनिराज ने सब छोड़ दिया बाहर में और पूरे ऐसे शरीर को चीर दिया जाए और ऐसे नमक में से भरे जाए और उन्हें कुछ परिणाम भी नहीं दिख रहे, हो भी नहीं रहे वैसे प्रकट रूप, लेकिन कह रहे हैं अनंतानुबंधी राग कसाए जिंदा है। और भरत चक्रवर्ती को छखंड का राग दिख रहा है, 96,000 रानियों के भोग है। और सचिन रानी कभी मासिक धर्म से नहीं होती, सचिन रानी नहीं क्या नाम है चक्रवर्ती की पटरानी, अखंड भोग, और तो भी ऐसा राग होने पर भी कह रहे अनंतानुबंधी अनंत राग नहीं है। इस जैन दर्शन को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा अनेकांतिक स्वरूप है, वो समझ में आया? शेष चर्चा निज निधि निज में बताई।